हेलो स्टूडेंट्स, कुंडू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए न्यू ट्रिक्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। लास्ट वीडियो हमने स्क्वायर पे की थी, अब हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे नंबर्स का। बहुत ही इजी ट्रिक से आप चंद सेकंड्स में स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे वन का स्क्वायर्स, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, वन का स्क्वायर वन, टू का फोर, थ्री का नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का ट्वेंटी फाइव, सिक्स का थर्टी सिक्स, इस तरह से मैंने फिफ्टीन तक लिखे हैं। आप आगे भी ट्वेंटी तक तो लर्न कर ही लीजिए आप लोग भी, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर नंबर लिखे, वन फोर फाइव सिक्स नाइन नंबर लिखा है मैंने। अगर हम चेक करें तो ये जो स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, इन नंबर्स के जो स्क्वायर्स आए उनमें यही फाइव नंबर्स है। देखो वन से फोर है, फाइव भी है और सिक्स भी है और नाइन भी। इसके अलावा जो टू थ्री सेवन और एट जो नंबर्स हैं, ये स्क्वायर्स में नहीं आए हुए। मतलब ये तो डेफिनेट है कि जिसका लास्ट डिजिट टू थ्री सेवन एट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो ये नंबर्स तो यूनिट प्लेस पर आपको नहीं मिलेंगे। अब हम चेक करते हैं कि वन किस किस के स्क्वायर में आते हैं। वन का स्क्वायर में वन, यूनिट प्लेस पे वन आते हैं, ओके वन। नाइन का स्क्वायर 81, यानी के यहां पर भी वन आते हैं, यानी के नाइन। तो वन किस किस के स्क्वायर में आते हैं, वन के और नाइन के में। ठीक उसी तरह से फोर, फोर किसके में आते हैं, टू में और एट में। तो टू में और एट में, फाइव तो सिर्फ फाइव में ही आते हैं। सिक्स किस में आते हैं, सिक्स फोर में भी आते हैं और सिक्स में भी आते हैं, ओके फोर में भी और सिक्स में भी। नाइन, नाइन किस किस में आते हैं, नाइन नाइन हमारा आता है थ्री में और सेवन, ओके। तो हमें ये लर्न रखना, तो हमें ये भी याद होने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि टू थ्री सेवन एट में अगर किसी का लास्ट डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यानी कि जब हम किसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और अगर लास्ट डिजिट में ये नंबर मिल गए तो उसको हम ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब हम एग्जांपल लेके ट्रिक सीखते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। पहला एग्जांपल लेते हैं 529। 529 ये किसका स्क्वायर रूट है? आपको क्या करना है, आपको पहले लास्ट टू डिजिट लेने हैं, ठीक है। क्या लिया हमने, लास्ट टू डिजिट, ओके। इसमें यूनिट प्लेस नंबर देखा नाइन। अब देखो नाइन किस किस में आया था, नाइन थ्री में और सेवन में, यानी कि या तो लास्ट डिजिट हमारे स्क्वायर रूट का थ्री होगा या सेवन होगा। अब ये टू नंबर्स छोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो अब रह गया फाइव। अब हम फाइव को चेक करते हैं, देखो फाइव को चेक करते हैं वो किस किस के स्क्वायर के मिडल में आता है। देखो टू और थ्री, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर और थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन। तो ये जो फाइव है ये फोर और नाइन के बीच में आ गया, ठीक है। तो दोनों में से, टू और थ्री में से, दोनों में से हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। तो हमने हमारा जो सेकंड नंबर आया वो टू आ गया, यानी कि ट्वेंटी थ्री हो सकता है या तो हमारा स्क्वायर रूट या ट्वेंटी सेवन हो सकता है। अब हमें कैसे पता चले कि ट्वेंटी थ्री है या ट्वेंटी सेवन है? बहुत ही सिंपल है। पहला ये चेक करो कि ये जो फाइव है, ये जो फाइव है ये फोर के ज्यादा नियर है या नाइन के ज्यादा नियर है? फोर के ज्यादा नियर है ना, फोर के ज्यादा पास है ना ये, इसका मतलब फोर के ज्यादा पास है, ठीक है ना, क्लियर। तो यानी कि हमारे पास, हमने छोटे वाला नंबर लेना है, ठीक है। दोनों में से फोर और नाइन में से छोटा कौन सा है, फोर है ना, तो यानी कि हमें हमारा जो नंबर होगा वो ट्वेंटी थ्री होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 529 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 23। मेरे यहां पर जो नंबर लिखा है वो है 4624। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो देखो सबसे पहले लास्ट टू डिजिट लेंगे, ठीक है। इसको मैंने एक बॉक्स में ले लिया, इसका लास्ट डिजिट देखो फोर है, इसका लास्ट डिजिट फोर है। अब देखो फोर किस किस स्क्वायर में आता है, एक तो टू के और एक किसके, एट के।
यूनिट प्लेस में जो हमारा नंबर होगा या तो वो 2 होगा या वो 8 होगा, ठीक है। इसके बाद हमने ये 2 नंबर छोड़ दिए, अब हम नेक्स्ट 2 नंबर लेंगे यानी कि 46। अब हम 46 चेक करेंगे कि किस 2 स्क्वेयर्स के नंबर्स के बीच में आता है 46। ओके, दिस इज 6 स्क्वेयर इज 36 एंड 7 स्क्वेयर इज 49, मतलब ये किसके नंबर किसके बीच में आता है 36 और 49 के, यानी कि 6 का स्क्वायर है 36 और 7 का स्क्वायर है 49 और 46 इसके बीच में आता है, ठीक है। ओके, ये तो तय है कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो हमने 6 ले लिया। 6 और 4 में हम दोनों में से छोटे वाला नंबर लेंगे। ओके, तो हमारा जो नंबर बनेगा स्क्वायर रूट का या तो वो 62 होगा या वो 68 होगा। अब ये चेक करना है कि वो 62 होगा या 68 होगा, तो बस हमें इतना करना है कि ये जो 46 है ना, ये हमने देखना है कि ये किसके नियर है, मतलब किसके ज्यादा पास है, 36 के ज्यादा पास है या 49 के ज्यादा पास है। 46 49 के ज्यादा पास है ना, तो ये 7 का स्क्वायर है यानी कि ये बड़ा नंबर है, तो हम ये बड़े वाला नंबर लेंगे। 62 और 68 में से हम बड़े वाला नंबर चूज करेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो 4624 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 68 होगा। सबको क्लियर हुआ है ना, वो इजी। ओके, वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 7921। ओके, चलिए इसमें सेम वही प्रोसेस है, लास्ट के 2 डिजिट अलग कर लिए हमने, 1 चेक किया, 1 किस किस में आते हैं, 1 के स्क्वायर में आता है और 1 9 के स्क्वायर में आता है। ओके, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा या तो 1 होगा या 9 होगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर लेंगे यानी कि हमने 79 लिया। अब 79 चेक करते हैं कहाँ आएगा, 79 लाई कर रहा है 64 और 81 के बीच में। ओके, तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, क्लियर। तो हमने 79 इनके बीच में लाई, ठीक है। ओके, अब हमने देख लिया कि 7, अब दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर लेना है ना हमने, तो हमने 8 लिया, तो यानी कि 81 या तो वो 81 का स्क्वायर रूट होगा या वो 89 का होगा। अब हमें चेक करना है कि वो या तो हमारा आंसर 81 होगा या हमारा आंसर 89 होगा। अब हमें चेक करना है कि वो क्या होगा। अब हमें ये चेक करना है सिंपल कि 79 किसके ज्यादा नियर है, 81 के ज्यादा नियर है या 64 के। नेचुरली 81 के ज्यादा नियर है, ठीक है, तो बड़े नंबर के ज्यादा नियर है, तो हमारा क्या हो गया, 89 हो गया। तो 7921 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 89। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, है ना, बहुत इजी। सबको क्लियर हुआ। ओके, चलिए एक हम नंबर लेते हैं 1296। इस पर ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती, इस वाले नंबर पर ये इसका जिस पर नहीं होती, ठीक है, उसको इसका अपवाद कहते हैं, मतलब ये इस पर ये ट्रिक नहीं यूज होती। और ये 36 का स्क्वायर है यानी कि ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि 1296 जो है वो इस ट्रिक उस पर ये ट्रिक लागू नहीं होती। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आए और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।